देखिए, बाज़ औक़ात उलमा ने लिखा है कि लोग बहुत सारे ऐसे नौजवानों पे या बच्चों के ऊपर बहुत अफसोस करते हैं कि भाई ये तो इसके मरने की उम्र नहीं थी, अभी तो उसने कौन सी खुशियां देखी थी, कौन सी इसने नेमतें खुदा की देखी थी। इस पे उलमा ने कहा कि देखिए, इस दुनिया के अंदर खुशी का कोई भी तसव्वुर नहीं, ये बात याद रखिए, इस दुनिया में खुशी का कोई तसव्वुर नहीं, असल खुशी तो हौज़े कौसर पर पहुंचना है, असल खुशी तो मौलाए मुत्तकियान की ज़ियारत है, आइम्मा मासूमीन के पड़ोस में पहुंच जाना, ये असल खुशी है। और ये उस दुनिया की हजारों और करोड़ों खुशियों से बेहतर है कि जो कि इंसान हासिल करता है। हत्ता कि बहुत सारी चीजें, ये जो देखिए, जैसे कि दफा हमने बीमारी के सिलसिले में बात की थी ऋषि एतबार से, हत्ता कि अगर किसी के घर में किसी बच्चे की कोई मौत हो जाए, उस तक का इतना ज्यादा सवाब और फायदा बताया गया है कि हमारे छठे इमाम ये बात बयान फरमाते थे कि अगर कोई शख्स, कोई बच्चा अगर किसी के घर में मर जाए, किसी शख्स के अगर किसी नाबालिग बच्चे का इंतकाल हो जाए, तो वो जिंदा रहने वाले 70 बच्चों से बेहतर होगा। और ये भी बयान फरमाते हैं छठे इमाम कि ये जो नाबालिगियत की हालत में जो बच्चा वफात पा गया, ये अपने जमाने के इमाम को दर्क करेगा और उन्हें पा लेगा। यानी आप, हम बहुत सी चीजों को अपने लिए बहुत ज्यादा परेशानी का बाइस समझते हैं, जबकि उसके अंदर हमारे लिए कितनी ज्यादा भलाई होती है।